हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आज है 14 मार्च 2020 और आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड पाई डे। एक मैथमेटिक्स की कांस्टेंट वैल्यू होती है, सभी जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 2/7। और आज के दिन ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे होता है और पाई को सबसे पहले आर्कमिडीज ने कैलकुलेट किया था। आपने यदि पाई के मान को और इस दिन को याद रखना है तो आपको एक चीज़ मैं टिक बताता हूँ कि 2/7 को यदि आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.14। अभी पॉइंट के बाद 1 और 4 क्यों बोला जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा ही जो भी डिजिट आते हैं उनको पॉइंट के बाद इकट्ठा नहीं बोला जाता। जैसे 3.14 हम नहीं बोलते, ये गलत होगा, 3.14। अभी 3.14 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3.14 आएगा। 3 आता है मार्च और 14 मार्च महीने की 14 डेट। ये डेट इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन इसका मान जो है 3.14 आता है, तो इसलिए इसको याद रखना इजी है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरा तरीका समझाने का अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको लगता है कि मेरा तरीका सही नहीं है, आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना अच्छा सा सुझाव दे सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को और भी इनकॉर्पोरेट करके आपके सुझाव को अच्छी वीडियो बना के लेके आऊँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिसका सुझाव सबसे अच्छा होगा उसका मैं वीडियो में नाम भी मेंशन करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ डिक्लेयर द पेंडेमिक स्टेटस, विच ऑफ द फॉलोइंग मैंशन डिसीज। चार डिसीज दे रखी हैं, COVID-19, H1N1, स्वाइन फ्लू, HIV/AIDS एंड एशियन फ्लू। इससे पहले कि मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूँ, सबसे पहले तो मैं आपको पेंडेमिक स्टेटस समझा देता हूँ। पेंडेमिक कैसे कहते हैं, WHO के बारे में तो आप जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड में है और यही एक संस्था है जो वर्ल्ड में हेल्थ को ऑर्गेनाइज करती है, और किसी भी बीमारी को पैंडेमिक स्टेटस देना इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। सब पैंडेमिक होता है जब किसी कोई बीमारी ऐसी समाज में फैल जाए जो बहुत ज़्यादा वाइडर एरिया तक फैल जाए, जो ग्लोबली फैल जाए। उस बीमारी को रोकने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, जो हमारे पास साधन हैं, वो कोई काम ना करे, जो हमारे हाथ से निकल जाए। तो ऐसी बीमारी के सिम्टम्स या फिर ऐसी बीमारी के जो रोगी हैं वो बहुत सारे वेरियस कंट्रीज़ में मिलते हैं, वेरियस एरियाज़ में मिलते हैं। पैंडेमिक स्टेटस देने के बाद गवर्नमेंट्स की क्या क्या जिम्मेवारियाँ बन जाती हैं, लोगों की क्या इनिशियल जिम्मेवारी बन जाती है। पहले दो इनिशियल स्टेज बताता हूँ, एक होती है एंडेमिक और दूसरी होती है एपिडेमिक। आपको इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एंडेमिक होता है ए डिसीज़ कंडीशन फाउंड नॉर्मली इन ए सर्टन रीजन और ए सर्टन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। आप यहाँ पिक्चर में देखिए, जैसे ये जो छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं ना, ये किसी बीमारी के लक्षण बता रखे हैं। जैसे मान लो इंडिया में थोड़े रोगी मिल गए, पाकिस्तान में, चाइना में, इटली, जापान, फ्रांस, एशियन कंट्रीज़ में किसी में भी आपको कोई रोग मिलता है, किसी प्रकार के रोगी ज़्यादा मिलते हैं, तो उसे WHO हमेशा स्टेटस दे देता है एंडेमिक। इसका एंडेमिक देने का मतलब होता है कि आप लोगों को इस बीमारी के प्रति अवेयर भी होना चाहिए और इसका टोटली जैसे देखा जाए तो इसका जो इलाज है वो हमारे हाथों में होता है। जब ये बीमारी फैलने लगती है इसको हम फिर से रोक सकते हैं। ऐसी बीमारी को एंडेमिक स्टेटस दिया जाता है WHO के द्वारा। एपिडेमिक, अभी एपिडेमिक्स डिसीज ए डिसीज कंडीशन प्रेजेंट इन द ग्रेटर एरिया देन यूजुअल परसेंटेज ऑफ ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन। जैसे किसी एरिया में, जहाँ आप मैप में देखिए, यदि इस एरिया में ये जो बना हुआ ना, यहाँ पर एक ही जगह पर कितने सारे लोग इकट्ठे बीमार हो गए और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होगी, तो ऐसी बीमारी को एपिडेमिक स्टेटस दे दिया जाता है। ऐसे केसेस आपको यदि इंडिया में इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी मिली, इसके बाद आपको चाइना में मिलेगी, इसके बाद आपको, लेकिन रीज़न बाय रीज़न थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठे मरीज़ मिल जाएँ, इकट्ठे एक ही जगह पर पर्टिकुलर एरिया पे, उसे कहते हैं एपिडेमिक। ओके, होप आपको समझ आ गई होगी ये टर्म। आगे देखते हैं पेंडेमिक स्टेटस ऑफ ए डिसीज़। मैंने पीछे भी आपको बताया ना, एन एपिडेमिक इफेक्टिंग ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया विच स्प्रेड एट ए ग्लोबल स्केल। जैसे जैसे एपिडेमिक डिसीज होती है ना, जैसे मैंने पीछे बताया कि किसी एक एरिया पे काफ़ी ज़्यादा मरीज़ मिल जाएं और वो इतना लाइलाज हो जाएं कि उसका इलाज ना कर पाएँ, तो उसे एपिडेमिक कह देते हैं। और जो पैंडेमिक होती है, जैसे
यहाँ पर भी बहुत सारे मरीज़ मिल गए, यहाँ भी मिले, यहाँ भी, यहाँ भी, अमेरिका, चाइना, कनाडा। जैसे कोरोना वायरस है, अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में सुन रखा है कि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो पूरे ग्लोबली फैल चुकी है। जैसे चाइना में है, इटली में, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका और कनाडा में। कनाडा के तो अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ में मैंने सुना है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनकी वाइफ को भी कोरोना वायरस हो गया है। सो ऐसे ये बीमारी हर जगह फैल रही है। इस बीमारी का इलाज अभी तक हमारे पास नहीं आया है, तो इस बीमारी को पैंडेमिक स्टेटस दे दिया गया है। तो पैंडेमिक स्टेटस आपको समझ आ गई होगी कि पैंडेमिक स्टेटस उस बीमारी को दिया जाता है जिसका हमारे पास ना तो क्योर हो, ना इलाज हो, जिसको हम रोकने में सक्षम ना हो। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि जब किसी बीमारी को WHO ये डिक्लेयर कर देता है कि ये बीमारी पैंडेमिक स्टेटस तक पहुंच चुकी है, तो उसके बाद आगे क्या होगा? कंट्रीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्या हमारे देशों में वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको, हम हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्या उसकी ऑर्डर्स को मानता है? क्या हमारी जिम्मेवारियाँ बनेगी, हमारे देश की क्या बनेगी? इससे थोड़ा सा मैं डीपली आपको समझाता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा पूरे का पूरा सेक्टर जो है, चाहे वो एग्रीकल्चर ले लो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर ले लो, चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात करो, हर सेक्टर इससे इफेक्ट होगा। क्योंकि इससे एक बहुत ज़्यादा GDP के ऊपर असर पड़ेगा, वो तो आप लोगों को आने वाले समय में पता लग ही जाएगा। इसके बाद हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो प्रिवेंटिव मेज़र लेता है जी, उन्हीं की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली, जो WHO उनको गाइड करता है उसी के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर वैसे ही मेज़र लेने पड़ते हैं। एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँचाना ज़रूरी हो जाता है लोगों के ऊपर, ताकि ऐसी बीमारी की वजह से ह्यूमर्स ना फैले। इस बीमारी के डिक्लेयर होने के बाद हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए हैं? एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी अभी उन्होंने जितने भी टूरिस्ट वीज़ाज़ हैं वो 13 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। दूसरा, उन्होंने एक लॉ है, एक्ट 1987 का, इसको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया, इसको इन्वोक कर दिया। क्योंकि यदि किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पर ये वाला एक्ट जब लागू हो जाता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट की, ख़ास तौर पर DC के पास ये पावर आ जाती है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के पास पावर आ जाती है कि वो किसी भी बीमारी का यदि कोई केस उसको मिलता है उसको अपने तरीके से हैंडल करे और इमिडिएटली उसको रेस्क्यू करे, हॉस्पिटलाइज करे और उसका ट्रीटमेंट करे, और इस बीमारी को रोकने के लिए जितने भी मेज़र उठाने चाहिए उतने उठा सके। ये डायरेक्टली पावर्स इनके पास आ जाती है। ये एक्ट अभी गवर्नमेंट ने लागू कर दिया, इससे बहुत ग्रेट स्टेप लिया है। क्योंकि इस बीमारी को रोकने के लिए हमें ऐसे ही मेजर स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। और इसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को भी अवेयर होने की बहुत आवश्यकता है। समाज में ऐसे बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं जिसके कारण यहाँ पर कोई कह रहा है ये मेडिसिन खा लो, कोई कह रहा है ये मेडिसिन खा लो, तो मैं तो कहूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल अवेयर होने की ज़रूरत है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधे आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वहाँ से अच्छी सी मेडिसिन लें, ठीक है, उसके बाद अपना क्योर करें, टेस्ट चेक कराएं, जितने भी डॉक्टर एडवाइस करेंगे, जो जो भी टेस्ट आपको होते हैं वो आप करें। मैं टेस्ट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं। आप लोगों को यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको इन तीनों टर्म्स का बारे में पता चल गया होगा कि एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक कौन कौन सी स्टेटस होते हैं जो किसी बीमारी को WHO के द्वारा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, हु हैज़ डिक्लेयर द पैंडेमिक स्टेटस टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैंशन डिसीजेज। चार डिसीज दे रखी हैं, COVID-19, H1N1 स्वाइन फ्लू और HIV एड्स एंड एशियन फ्लू। इसका आंसर दोस्तों है सभी की सभी, ये चारों बीमारियों का जो स्टेटस है ना वो पैंडेमिक स्टेटस मिल चुका है इनको समय समय पर। COVID-19 को तो अभी अभी रिसेंटली उन्होंने पैंडेमिक का स्टेटस दे दिया, इसे हम कोरोना वायरस भी कहते हैं। H1N1 स्वाइन फ्लू, जो H1N1 स्वाइन फ्लू था ये भी काफ़ी ज़्यादा डिजास्ट्रिकली इसने इम्पैक्ट किया था, इसको भी उन्होंने पैंडेमिक स्टेटस दिया था। और HIV एड्स, इसका भी आपको पता होगा 2005 से लेके 2012 तक इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा, तो इसको भी पैंडेमिक स्टेटस मिल चुका है। और एशियन फ्लू, इसने भी बहुत सारी 1956 से लेकर 1958 के बीच में बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी की थी और ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क वाली बीमारी रही है। इसलिए इन सभी बीमारीज का जो पैंडेमिक स्टेटस है वो WHO ऑलरेडी दे चुका है। आपको एक बात और मैं बता दूं कि जैसे स्वाइन फ्लू का उन्होंने
जो स्टेटस था उसको दोबारा से रिवोक कर दिया था, क्योंकि जो WHO के पास ये पावर होती है कि यदि किसी बीमारी की हमारे उसकी दवाएं मिल जाती है या उसका क्योर होने लग जाता है तो उसका जो जो पैंडेमिक स्टेटस है उसको बाद में वापस भी कर सकती है। सो दिस इज़ द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपने नया को जाना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।